नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारा आपका YouTube जरूर चैनल बालाजी टेक्निकल ईवी में। आज हम आपको बताएंगे कि बैटरी, लेड एसिड बैटरी की जो आप गाड़ी यूज़ करते हो उसमें बैटरी फुल क्यों जाती है, या उसका एवरेज डाउन क्यों हो जाता है, या बैटरी की लाइफ कम क्यों मिलती है, उसके बारे में हम बताएंगे, जो सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। क्योंकि काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि लेड एसिड बैटरी में वो 1 साल की वारंटी आती है, उसके भीतर भीतर जैसे साल पूरा होने आता है और गाड़ी का एवरेज भी डाउन हो जाता है और बैटरी भी फूलने लग जाती है। तो आप किस प्रकार इसके फूलने की क्षमता को और इसको एवरेज को बनाए रखने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो आज हम आपको बताएंगे। लेड एसिड बैटरी में क्या होता है, सबसे पहले जो आप चार्जर यूज़ करते हो वो चार्जर 5 एम्पीयर के बजाय आप 3 एम्पीयर का यूज़ करो, बैटरी आपकी धीरे चार्ज होगी बट उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी मिलेगी। अगर आप 5 एम्पीयर या 6 एम्पीयर के चार्जर से चार्ज करते हो तो बैटरी फुल जाएगी और उसका एवरेज भी डाउन हो जाएगा और बैटरी भी आपकी जल्दी ख़राब हो जाएगी। और उसके साथ ही आप कम एम्पियर वाला चार्जर यूज़ करोगे तो उसमें वो एवरेज भी अच्छा मिलेगा, लाइफ भी आपको अच्छी मिलेगी और बैटरी भी आपकी फूलेगी नहीं। और सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखने वाली ये होती है कि आप बैटरी को जब भी यूज़ करते हो, जैसे आपने चार्ज पे लगा रखी है तो उसको बार बार चार्ज करने से भी बैटरी का एवरेज कम होता है और बैटरी भी फूलती है। आपने जैसे पूरे दिन चलाई गाड़ी, सुबह रात को एक बार चार्ज लगा दी, फिर आप पूरे दिन चलाओ, उसको बार बार चार्ज नहीं करना है। और कहीं लॉन्ग टाइम से आ रहे हो, जैसे 30-35 किलोमीटर आपने गाड़ी चलाई है और चला के घर आए, आते ही आपको चार्ज नहीं लगाना है, कम से कम 20-25 मिनट रेस्ट देना है जिससे कि आपकी बैटरी नॉर्मल हो जाए, फिर उसके बाद आपको चार्ज लगाना है। और अगर आपने चार्ज लगा रखी है तो तुरंत चार्ज को हटा के डायरेक्ट गाड़ी को नहीं चलाना है, कम से कम 20-25 मिनट का रेस्ट देना है उसको, उसके बाद गाड़ी को चलाना है, तब जाके आपकी बैटरी का एवरेज भी नहीं बिगड़ेगा, बैटरी फूलेगी भी नहीं और उसकी लाइफ भी आपको अच्छी मिलेगी। क्योंकि इसमें जो आता है वो रीसाइकिल पे आता है, या तो 600 बार चार्ज होती है या 1200 बार। तो इस तरह से चार्ज होने से आपने अगर दिन में 3 बार चार्ज लगाया तो 3 रीसाइकिल उसकी ख़त्म हो जाती है। तो 600 की जगह अगर आप दिन में 3 बार लगाए तो 100 दिन चलेगी, 100 दिन का मतलब हो गया कि 3 महीने। और अगर आपने उसको एक दिन में 1 ही बार लगाया तो 600 यानी कि 2 साल हो गए उसके। इस तरह से आप उसका रिसाइकिलिंग जो आता है वो फिक्स आता है, उसको आप जितनी बार चार्ज करोगे उसके रिसाइकिलिंग खत्म होते जाएंगे, फिर उससे 1 साल की गारंटी या वारंटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। धन्यवाद।